कोरोना एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है और देश के अलग अलग हिस्सों के साथ उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली में कोरोना संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत का मामला भी सामने आया है। कोविड से हुई इस मौत के बाद चंदौली के स्वास्थ्य विभाग ने अतिरिक्त सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। दरअसल चंदौली जिले के अमौतपुर गांव के रहने वाले रिटायर्ड रेलकर्मी 74 वर्ष के महेंद्र प्रसाद को कुछ दिन पहले पैरालिसिस का अटैक हुआ था। इसके बाद महेंद्र प्रसाद को उनके परिजन ने वाराणसी के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। 22 अप्रैल को हॉस्पिटल में महेंद्र प्रसाद का कोविड टेस्ट कराया गया। महेंद्र प्रसाद पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद महेंद्र प्रसाद को PHU में कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 26 अप्रैल को महेंद्र प्रसाद की मौत हो गई। कोविड के संक्रमण से हुई इस मौत के बाद चंदौली के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचना लाजमी था। हालांकि महेंद्र प्रसाद की कोरोना से मौत की खबर कई दिन बाद बाहर आई। इसके बाद चंदौली के स्वास्थ्य विभाग में मृतक महेंद्र प्रसाद के रिश्तेदारों के साथ साथ उनके संपर्क में आए लोगों की भी मॉनिटरिंग करनी शुरू कर दी गई। इस मामले में चंदौली के CMO डॉक्टर UK राय ने बताया कि चंदौली के अमोदपुर गांव के रहने वाले महेंद्र प्रसाद को पैरालिसिस अटैक के बाद बनारस के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। CMO ने बताया कि 22 अप्रैल को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उसके बाद महेंद्र प्रसाद को प्राइवेट में एडमिट करा दिया गया, जहाँ इलाज के दौरान 26 अप्रैल को उनकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि महेंद्र प्रसाद के परिजनों के साथ साथ उनके संपर्क में आए लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।